वाइन में जाते हैं तो यहाँ पर एक पुश बटन प्रोक्योरमेंट का टैब आपको एक पैरामीटर मिलेगा। तो ये जैसा मैंने बताया, जैसा कि मैंने बताया कि पीबीपी जो है आपका, ये हर किसी कैटेगरी में नहीं है, ये अभी सिलेक्टेड कैटेगरीज में है। जैसे मल्टीफंक्शन मशीन्स में मिल जाएगा, डेस्कटॉप कैटेगरी में ये नहीं है अभी, एमएफएम में आपको मिल सकता है, ये प्रिंटर में आपको मिल सकता है शायद। तो जिस कैटेगरी में अवेलेबल है और 1 लाख तक का आपका प्रोक्योरमेंट है तो वो आप कंपेयर करके इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप पीबीपी चूज करेंगे, उसके बाद अपना कंसाइन बटन आ जाएगा। अब आप अपना इसमें ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, ये डायरेक्ट परचेज के लिए ही एप्लीकेबल है, बिडिंग वगैरह के लिए तो नॉर्मल प्रोसेस में फिर आपको जाना पड़ेगा। आपने ऐड टू कार्ट किया, अब यहाँ पर आपके पास एक बटन आ जाएगा क्रिएट पीबीपी नोटिस का। अब आपने क्या करना है, क्रिएट पीबीपी नोटिस को क्लिक करना है। अब नीचे आप एडवाइजरी देख सकते हैं, पीबीपी नोटिस कैन बी क्रिएटेड टू गेट बेस्ट प्राइस फॉर द प्रोडक्ट, ऑल एलिजिबल सेलर्स ऑन जेम विल बी अलाउड टू ऑफर दे रिड्यूस्ड रेट्स विद इन 3 डेज पोस्ट विच यू कैन प्लेस डायरेक्ट ऑर्डर। अब इसमें दो तीन चीजें ध्यान रखनी है कि जब आप क्रिएट पीबीपी नोटिस करते हैं तो सिस्टम में बैकएंड पे कुछ लॉजिक डिजाइन कर हैं जो कि आपको बताएगा, इसके अंदर 10 से कम अगर कोई भी पार्टिसिपेंट्स होंगे तो आपका ये ऑटो कैंसिल कर देगा सिस्टम। ठीक है, मिनिमम 10 पार्टिसिपेंट्स इसके अंदर आपके होने चाहिए, रिसोर्सेज से कम अलग अलग 10 रिसोर्स मिलना चाहिए और 5 आपके अलग अलग ओईएम या रीसेलर्स इसके अंदर होने चाहिए। 3 ओईएम, 2 ओईएम, 3 ओईएम वाला जो लॉजिक चलता है वो इसके अंदर मिनिमम 5 अलग अलग प्रोवाइडर्स, 3 रीसेलर प्रोवाइड करें या ओईएम प्रोवाइड करें, वो आपके पास ये ऑप्शन आना चाहिए। अगर वो ऑप्शन सिस्टम नहीं देता, इस तरीके के सेलर कोई पार्टिसिपेट नहीं करते, तो सिस्टम बैकएंड से ही कैलकुलेट करता है, देखता है कि कितने ओईएम्स आए हैं, कितने रीसेलर्स आए हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 10 हैं कि नहीं है, उसके बेसिस पे सिस्टम देखेगा। अगर वो नहीं होगा तो सिस्टम इसको बाय डिफॉल्ट कैंसिल कर देता है। अब जब आप अपना पीवीपी नोटिस चलाते हैं तो यहाँ देखिए नॉट कंप्लीटेड, क्योंकि अभी आप प्रोसेस में हैं। कैंसिल आप इसको कभी भी कर सकते हैं, जब आपने अगर तुरंत अभी पीवीपी नोटिस डाल दिया है, पब्लिश कर दिया है, तो पब्लिश करने के तुरंत बाद भी इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर आइटम स्पेसिफिकेशंस वगैरह जो आपने चूज करी है वो हो जाएंगी। कंसाइनी की डिटेल्स, यहाँ पर आप क्वांटिटी कम ज्यादा करना चाहें तो कम ज्यादा क्वांटिटीज कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी आपको उसी हिसाब से कम ज्यादा करनी है कि आपकी टोटल वैल्यू 1 लाख से ऊपर ना जाए। ठीक है, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू सेव कंसाइनी, आप यस कर देंगे। और इसमें भी मल्टीपल कंसाइनी आप ऐड नहीं कर सकते, सिंगल कंसाइनी के ही बेसिस पर आप अपनी पीबीपी नोटिस वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, पीबीपी प्रोक्योरमेंट को मल्टीपल कंसाइनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओके करेंगे, ओके करने के बाद इस तरीके से ये पब्लिश हो जाएगा। अब आप इसको अगर कैंसिल करना चाहते हैं तुरंत तो आप इसको कैंसिल का बटन भी दबा सकते हैं और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे और टोटल पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आपको दिखाता रहेगा, कैंसिल करना है आपने। और ये देखिए यहाँ पर टाइम अगर क्लोज हो गया है इसका, जितने भी दिन, 3 दिन आपने चलाया था तो क्लोज हो जाएगा। कैंसिल करना है तो यहाँ पर आप इसको कैंसिल का बटन दबा देंगे तो यहाँ पर इसका कैंसिल। अब कैंसिल 2 तरीके से हो सकता है, एक आपने पब्लिश करा और पब्लिश करने के बाद आपने उसको कैंसिल कर दिया। दूसरा कैंसिल कब हो सकता है, दूसरा कैंसिल तब हो सकता है, नीचे आपको रीजन दिख रहा है कि डिमांड कैंसिल्ड ड्यू टू इनसफिशियंट पार्टिसिपेशन, क्योंकि यहां पर टोटल पार्टिसिपेशन एक ही है। तो आपको जो सिस्टम ने लॉजिक पीछे डिजाइन किया हुआ है कि इतने मिनिमम पार्टिसिपेशन होना चाहिए या इतने ओईएम या रीसेलर्स या सेलर्स होने चाहिए, अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेगा तो भी सिस्टम इसको ऑटो कैंसिल कर देगा और आपको नॉर्मल प्रोसेस फिर जो बिडिंग का, अगर आप अपनाना चाहते हो बिना पीबीपी नोटिस के, आप वो भी कर सकते हो, और अगर आपको बिडिंग में जाना है तो आप वो भी कर सकते हो। पीबीपी एक ऑप्शन है, ये मैंडेटरी नहीं है, कहीं ऐसा ना आप समझे कि अब 1 लाख से नीचे है तो मुझे पीबीपी पे ही जाना है।